सबसे पहले मुझे इस बात की खुशी है जहर मसूद को यूनो ने इंटरनेशनल टेररिस्ट करके घोषित किया है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। इस समय चीन ने भी इस बात के लिए हमारा समर्थन किया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, इनके लगातार प्रयास और उनकी कूटनीति को सफलता मिली है। भारत के लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं प्रधानमंत्री जी को और विदेश मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित रूप से जो आतंकवाद और आतंकवादी समर्थन करने वाले देशों को आइसोलेट करने की बात हम बार बार कह रहे थे, उसमें आज दुनिया के, विश्व के लगभग सभी प्रमुख नेताओं ने उसका समर्थन किया। ये आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी लड़ाई चल रही है उसमें हमारे देश के लिए बहुत बड़ी जीत है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जी की कूटनीति की सफलता भी है। मैं दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज मैं यहाँ आया था वैसे चुनाव प्रचार के लिए, तो आज सांगला में मेरी सभा भी हुई और सभा के बाद, सभा के पहले मुख्यमंत्री जी से भी मेरी कल भी और आज भी विस्तृत रूप से चर्चा हुई। वेबकॉस करके वाटर रिसोर्सेस मिनिस्ट्री में हमारी एक 100% ओन गवर्नमेंट कंपनी है। और मैं जब डावोस में गया था स्विट्जरलैंड में, तो वहाँ से मैं ऑस्ट्रिया गया था और वहाँ वर्ल्ड में रोपवे, केबल कार, फनाकुलर रेलवे, इस प्रकार की जो नई नई स्काई बस, लाइट रेल, ये अलग अलग प्रकार की जो 28 टेक्नोलॉजी है, इसमें वर्ल्ड में डॉफल मेयर का 65% शेयर है। और इसलिए उनके फैक्ट्री में विजिट करके मैंने सभी टेक्नोलॉजी का प्रेजेंटेशन लिया था। वहाँ से आने के बाद वेबकॉस ने डॉफल मेयर के साथ टेक्निकल जॉइंट वेंचर किया। और उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने अनुरोध किया था कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर और जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी हमारी ज़रूरत है। तो इसके ऊपर अगर यहाँ पहल की जाएगी तो नीचे से डीजल पर हम लोग ऊपर जाते हैं, प्रदूषण भी होता है और उसके कारण समय भी लगता है और फ्यूल भी जलता है और इकोनॉमी भी उससे मार खाती है। तो इसके बारे में हिमाचल में विचार होना चाहिए। बाद में वेबकॉस के एमडी यहाँ आए थे, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेजेंटेशन दिया और मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया था कि वेबकॉस को गवर्नमेंट कंपनी के नाते उन्होंने नॉमिनेशन बेसिस पर हिमाचल प्रदेश के लिए उसका पूरा प्रोजेक्ट डीपीआर बनाने के लिए, उसका टेक्निकल इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी स्टडी करने के लिए वेबकॉस को उन्होंने काम दिया था। वेबकॉस ने उसमें से बहुत सा काम पूरा किया है, उसका मैंने जायजा लिया है। और माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है कि हिमाचल प्रदेश का पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी करके वो इसका उपयोग करे, और उन्होंने भी इसमें काफ़ी आगे भूमिका ली है। और मुझे लगता है जल्दी ही हिमाचल प्रदेश में इन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अगर काम होगा तो जनता को काफ़ी राहत मिलेगी, किसानों को अपने सेब और बाकी माल ट्रांसपोर्ट करने की आसानी होगी और सस्ता होगा, और उसके साथ साथ निश्चित रूप से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बड़े प्रमाण पर एक राहत मिलेगी। उसकी भी आज विस्तृत चर्चा हुई और उन्होंने इस काम में काफ़ी आगे बढ़ाया है और जल्दी ही हिमाचल प्रदेश को हवा में चलने वाली डबल डेकर स्काई बस, जिसकी कैपेसिटी 260 है, लोग एक पौंड में बैठते हैं, उस टाइप की टेक्नोलॉजी आएगी। और मैंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि इसको पीपीपी मॉडल में करने के लिए बिजली अगर हिमाचल सरकार 10 साल के लिए फुकट फ्री ऑफ चार्ज देती है और उसके ऊपर अगर फैक्ट्री यहाँ कोई होती है उसके पॉइंट्स बनाने की, उसके ऊपर कुछ टैक्स कंसेशन जैसे बैकवर्ड एरिया के इंडस्ट्री के लिए मिलता है उस टाइप का कोई मिलेगा तो इसका IRR अच्छा होगा और ये यहाँ सफल होगा। तो उन्होंने भी इसमें काफ़ी चर्चा आज की है, उनसे बातचीत भी हुई और जल्दी ये पूरी होगी। हिमाचल प्रदेश में तीन बड़े डैम हमने बनाने का निर्णय किया था, उसमें से एक रेणुका है, एक केशव है और दूसरा लखवाड़ है। लखवाड़ बहुत दिनों से चल रहा था काम उसका, पर अभी उसमें काफ़ी प्रगति हुई और जल्दी पूरा करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक केशव के बारे में,
अभी चुनाव होने के बाद इसके ऊपर फाइनल एग्रीमेंट हो जाएगा। ये दोनों प्रोजेक्ट से करीब 700 मेगावाट बिजली हिमाचल प्रदेश को मिलेगी और उसके साथ साथ इस पानी से दिल्ली के लिए भी पानी मिलेगा और जो बाढ़ के कारण यमुना पर जो नुकसान होता है उससे भी बचत होगी। हिमाचल प्रदेश में रोड सेक्टर में मेरे विभाग की ओर से करीब 50,000 करोड़ के काम शुरू हैं। कामों में कुछ जगह पे अड़चन आई, बीच में ये तीरथपुर वाला जो काम था वहाँ टनल्स वगैरह का काम IRFS जो कंपनी थी उनके कुछ प्रॉब्लम्स आने के कारण बंद पड़ा था, उसको हमने टर्मिनेट किया है और नए टेंडर निकाल कर उस काम की जल्दी शुरुआत करेंगे। हम करीब 6-7 टनल बना रहे हैं और उसके साथ साथ भारतमाला में 3 प्रोजेक्ट हमने लिए हैं और करीब 6 प्रोजेक्ट और वर्क ऑर्डर देने की स्थिति में आए हैं। करीब 69 रोड्स प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनको हमने प्रिंसिपली NHAI जाहिर किया था, उसमें से 9 प्रोजेक्ट हमने ऑलरेडी भारतमाला में 3 और 6 NH में ऑलरेडी लिए हैं, उसको राष्ट्रीय महामार्ग करके मान्यता दी है और बाकी 60 प्रोजेक्ट्स में भी हमने हिमाचल प्रदेश की सरकार को कहा था कि वो DPR बनाए और DPR बनने के बाद हम उसकी प्रायोरिटी निश्चित करके उसके भी काम जल्द से जल्द शुरू करेंगे। हिमाचल प्रदेश में अगर निश्चित रूप से अगर रोड नेटवर्क अच्छा होगा तो टूरिज्म बढ़ेगा और टूरिज्म बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा। तो भारत सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की ओर से हमारी इरिगेशन मिनिस्ट्री जो वेपकॉस है उसके आधार पर जो हम लोग स्काई बस या मल्टी मॉडल अलग अलग प्रकार की पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी की अनेक इनोवेशन पर काम कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो काम दिया है वो, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक बसेस यहाँ शुरू हो इसके लिए आज लंदन ट्रांसपोर्ट का जो मॉडल है 9 ऑपरेटर है जो चलाते हैं किलोमीटर बेसिस पर और सरकार मिनिमम 225 किलोमीटर की गारंटी देती है पर डे और बाकी वो बसेस चलती हैं। तो आपको पता होगा कि अब डीजल बस का रेट 115 रुपये पर किलोमीटर आता है मुंबई में बेस्ट बस का और इथेनॉल बस हमारे नागपुर में चलती है उसका 78 रुपीज़ पर किलोमीटर आता है और पुणे में 150 बसेस खरीदी की उसका 50 रुपये पर किलोमीटर है इलेक्ट्रिक पर। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि ऐसे ही कोई सिस्टम हो कि यहाँ के प्राइवेट लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए कि वो इलेक्ट्रिक बसेस ले और उसके लिए फाइनेंस मिलने के लिए बैंकों से उनको फाइनेंस ले सके और एयर कंडीशन और अच्छी क्वालिटी की बसेस में हिमाचल के लोग भी घूम सके और टूरिस्ट भी घूम सकेंगे तो आकर्षण बढ़ेगा। इसके साथ साथ MPBS सी प्लेन पानी पे उतरने वाले उसकी भी चर्चा हुई, वो भी हमारे डिपार्टमेंट में गंगा में हम लोग अभी जलमार्ग हमने पूरा बनाया वहाँ कैटरमैरन हावरक्राफ्ट MPBS सी प्लेन हम शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ भी मैंने उनसे अनुरोध किया है कि चंडीगढ़ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी एयर स्ट्रिप से उड़कर पानी पर उतर सकते जहाज, हमने देश में उसके ट्रायल की है और मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि टूरिज्म बढ़ाने के लिए इसका भी उपयोग वो कर सकते हैं जिसमें भारत सरकार पूरा सहयोग करेगी। तो मेरी काफ़ी अच्छी बातचीत उनसे साथ हुई। आज मैं सभा से आने के बाद मुझे 9,000 फुट ऊंचाई पर गया था, वहाँ से आने के बाद हेलीकॉप्टर से फिर मैंने मेरा मेडिकल चेकअप किया पर कुछ लोगों ने ऐसी न्यूज़ दे दी कि मेरी तबीयत खराब हो गई, कुछ लोगों ने मैं ICU में हूँ साहब ये किया, बहुत सी बातें ऐसी आई कि मुझे लगता है कि वो सब गलत थी और इसलिए आपके सामने खुद होकर मैंने आप सबको बुलाया कि मेरी स्वास्थ्य अच्छा है, आप सबकी शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं मेरे साथ हैं और मेरे डॉक्टर से भी बातचीत हुई, उन्होंने पूरा मेडिकल चेकअप किया, ब्लड चेक किया, ब्लड प्रेशर चेक किया, शुगर चेक की, ECG निकाला, सब नॉर्मल है। केवल मैं 9,000 फुट ऊंचाई पर वहाँ गया था सांगला में तो नेचुरली वहाँ से आने के बाद मुझे थोड़ा अस्वस्थता लगी इसलिए मेडिकल चेकअप किया, वैसे वो रूटीन पार्ट था, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक है। आपके मार्फत आप जनता को बहुत लोगों ने चिंता जताई और काफ़ी मीडिया पर चलने के कारण काफ़ी लोगों ने पूछा, मेरे स्वास्थ्य अच्छा है ठीक है और देश की सेवा करने के लिए आप सबके आशीर्वाद जनता के आशीर्वाद से मैं मेरी ताकत और शक्ति के साथ काम करूँगा। जो बात मुझे कहनी थी वो मैंने कही है और मुख्यमंत्री से भी आज विस्तृत चर्चा हुई है, उनके नेतृत्व में हिमाचल में बहुत प्रगति और विकास हो रहा है और मैंने आज उनको बहुत सी बातों का जिक्र किया। बायो एविएशन फ्यूल 26 जनवरी को हमारे हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज ये बायो एविएशन फ्यूल पर चले, फिर
स्पाइस जेट का एक विमान देहरादून से दिल्ली तक बायो एविएशन फ्यूल जेट्रो ऑयल से बनाए हुए फ्यूल से चला, तो मैंने उनको कहा जो पत्ती है यहाँ उसका तेल निकलता है, क्या से नाम पत्ती नहीं दूसरी पत्ती जो आप बोल रहे थे जो हाँ, तो उसका भी तेल निकाल कर आप पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट देहरादून को भेजिए ताकि उसका ऑयल निकाल कर बायो एविएशन फ्यूल बन सकती क्या, इससे हमारे एविएशन इंडस्ट्री को भी राहत मिलेगी। और अब ये प्रूवन हुआ है एयरबस बोइंग एटीसी और बम्बार्डी ये चारों कंपनी ने बायो एविएशन फ्यूल को 100% यूज करने के लिए अनुमति दी है। तो मुझे लगता है कि हिमाचल का जंगल इसमें का उपयोग होगा और यहाँ की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये जो नॉन एडिबल ऑयल सीड की प्रोडक्टिविटी और ऑयल परसेंटेज बढ़ाकर ये हिमाचल में हम उनके साथ हैं और उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है जो काम करवाया वेबकॉस से उसको आगे ले जाने के लिए भारत सरकार आगे भी बहुत मदद करेगी। और इसलिए हिमाचल के विकास के लिए यहाँ की जनता ने हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों को विजयी बनाना चाहिए, ये भी मैं आपके मार्फत अपील करता हूँ। धन्यवाद। आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। सर मसूद अजहर के मामले पे जिस तरह से चाइना का रुख रहा, क्या आप मानते हैं चाइना असफल हुआ है आज? नहीं, मुझे तो लगता है कि इसमें माननीय मोदी जी और सुषमा जी ने स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू ये उनकी कूटनीति की सक्सेस स्टोरी है कि चाइना को भी लगभग अपने साथ कर लिया है और आतंकवाद के खिलाफ वर्ल्ड कम्युनिटी बाय होल बाय सब लोग मिलकर इकट्ठा हो रहे हैं, ये अच्छी बात है क्योंकि आतंकवाद को कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी आतंकवादी होता है और इसलिए ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक थ्रेट है और इस बात को सभी देशों ने महसूस किया है। और पाकिस्तानी आतंकवाद और आतंकियों का माहिर घर है, इसी प्रकार से उसका वर्णन किया जाता है क्योंकि वहाँ की सरकार वहाँ की मिलिट्री अब तो भी जागे और आतंकवादियों को कड़ी कार्रवाई करें और दुनिया को इस बात का परिचय दें कि उनकी सरकार आतंकवाद और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ। इन चुनावों में ये जो डिसीजन है क्या बेनिफिट होगा भारतीय जनता पार्टी को? पूरे देश में एक मैसेज गया है। मुझे लगता है राष्ट्रीय हितों के विषय को राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, ये देश के इंटरेस्ट की बातें हैं और ना ये कोई पार्टी के लिए कोई महत्वपूर्ण है, ये देश के लिए महत्वपूर्ण है और सभी लोगों ने इसके तरफ देश के इंटरेस्ट में नेशनल इंटरेस्ट में देखना चाहिए, ये मेरा अनुरोध है। चुनाव के राजनीति को इसको नहीं जोड़ना। नेशनल आईवे को लेके लंबे अरसे से विपक्ष भी कहता रहा है कि जो गडकरी जी बोल गए हैं वो काम नहीं हो पाया है, लेकिन सरकार कह रही है कि गडकरी जी बोला था वो किया भी है, इस पर थोड़ा सा आप देखिए। 2014 में हमारी सरकार आने के पहले हिमाचल प्रदेश जब से बना है तब से 1706 किलोमीटर केवल राष्ट्रीय महामार्ग थे, 2018 में 6893 ने 7000 किलोमीटर हुए हैं, तो लगभग 3 गुना से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसमें एक छोटी सी दिक्कत होती है, अगर हम उसको एनएच जाहिर करते हैं तो उसका मेंटेनेंस का खर्चा भारत सरकार को करना पड़ता है, तो हमने उसमें एनएच जाहिर करने के बजाय उस समय हमारे वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब मैंने उनको कहा कि आप डीपीआर बनाइए, बाली साहब उस समय मंत्री थे, उनको कहा आप डीपीआर बनाइए फटाफट हमारे पास ले आइए हम उसको मंजूरी देंगे, और इसलिए मेंटेनेंस कॉस्ट भारत सरकार को नहीं लगनी चाहिए, इसलिए हमने उसको एनएच प्रिंसिपली जाहिर किया था। इस 69 प्रोजेक्ट्स में से 9 प्रोजेक्ट 3 भारतमाला के हैं और 6 नेशनल हाईवे देकर हमने उसको क्लियर कर दिया है। जो 60 प्रोजेक्ट रहे हैं उसमें डीपीआर बनाने का काम उत्तर हिमाचल की सरकार को करना है और आपको पता ही होगा कि हमारे मैनिफेस्टो में हमने लिखा है कि हम एनएच को दुगना करेंगे, तो अब इसके बाद डीपीआर बनने के बाद को सबमिट होने के बाद हम इन प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी देंगे और जल्द से जल्द इसको शुरू करेंगे। जो निर्माण कार्य जल्दी शुरू होने वाला है वो NH54 पंजाब हिमाचल बॉर्डर में सिवनी तक 4 लेन सड़क का निर्माण 1600 करोड़ रुपए 37.3 किलोमीटर, हमीरपुर से मंडी तक 2 लेन प्योर शोल्डर NH70 110 किलोमीटर 1400 करोड़ रुपए, पोंटा साहिब शिलई कुआं फेडूज पुल 105 किलोमीटर ये 1400 करोड़ रुपए, ऊना से भेरू तक सड़क निर्माण 16 किलोमीटर 51 करोड़,
बाद में मटोर धर्मशाला मैकलोडगंज 23 किलोमीटर 46 करोड़ रुपए, कालाम पोंटा साहिब देहरादून रोड 6.2 किलोमीटर 30 करोड़ रुपए, और NH 305 सेंस से ओट रोड तक क्रैश बैरियर 90 किलोमीटर 29 करोड़ रुपए। ये मार्गों का निर्माण कार्य जल्दी शुरू हो जाएगा। 2019 में अवार्ड होने वाले में पिंजौर बद्दी नालागढ़ ये 32 किलोमीटर 472 करोड़ रुपए का है, और ज्वालामुखी बाईपास से कांगड़ा बाईपास तक फोर लेन ये करीब 37 किलोमीटर 2000 करोड़ का काम है, ये भी 2019 में अवार्ड हो जाएगा। जहाँ तक जो काम शुरू है, जो कार्य पूरे हुए हैं, उसमें अन्नी से ओट रोड 23 किलोमीटर 25 करोड़, सेन से अन्नी तक 10 किलोमीटर, टू लेन सड़क का निर्माण NH 70 में 23 किलोमीटर, और मोगीनंद से धोला कुआ तक 31 किलोमीटर ये काम पूरे हुए हैं। और परियोजना जो लगातार चल रही है उसकी बहुत बड़ी लंबी लिस्ट मेरे पास है, वो अगर आपको चाहिए तो मैं कागज़ CM साहब के पास छोड़ के जाता हूँ। तो ये ताकि केवल कीरतपुर से नेर वहाँ जो है 80% काम, कुछ काम आए लेकिन काम बंद पड़ा है, उसको हम टर्मिनेट करके नया शुरू कर रहे हैं। ये भी लिस्ट मेरे पास है, मैं साहब के पास देता हूँ, वो आपको CM साहब उसकी डिटेल देंगे। तो ये आरोप गलत है कि हम लोग कोई काम नहीं कर रहे, क्योंकि 60 रोड्स एकदम आज तक जो मिले हैं ये हिमाचल के पूरे ज़िंदगी में इतने नहीं मिले हुए, और ये निश्चित रूप से एकदम नहीं होंगे, स्टेप बाय स्टेप होंगे, क्योंकि इसके लिए लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस करना पड़ेगा। तो हिमाचल प्रदेश के DPR सरकार ने पूरी करने के बाद हम इसको पूरा करेंगे, और हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम NHAI को दुगुना करेंगे। तो इसलिए उनका आरोप ठीक नहीं है, हमने केवल घोषणाएं की नहीं तो काम भी किया हुआ है, और करीब 50,000 करोड़ के काम लगभग कुछ पूरे हुए हैं, कुछ शुरू है, और कुछ कामों की शुरुआत हो रही है, और आगे में भी 60 काम जो है वो हम जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि हमने उसको प्रिंसिपली जाहिर किया, उसको बाद में हम लोग DPR बनने के बाद उसको प्रायोरिटी वाइज NH डिक्लेयर करते हैं, उसका काम टेंडर निकाल के करेंगे। सर, महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर जो विनोद तावड़े जी, उनका रिज़ाइन मांगा था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वॉलेशन पे शरद पवार जी ने, उसके जवाब में उन्होंने कहा है कि पवार जी के टाइम में मुंबई में बम ब्लास्ट हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हमने उनसे डेजिग्नेशन नहीं मांगा। हिमाचल की बात करिए, महाराष्ट्र की बात महाराष्ट्र में। सर, राहुल गांधी के विदेशी मूल का मामला जिसमें दो राष्ट्रों के जो, मुझे लगता है ये मैंने बहुत कुछ मामले में बताया, ये बातें सब चल रही है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जितनी आपकी जानकारी उतनी मेरी जानकारी। सर, राहुल गांधी को कल जो है जो कोर्ट की अवमानना का उन पर चल रहा था, चौकीदार चोर है उस विषय को लेकर फटकार लगाई है, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि राजनीति में, लोकतंत्र में एक दूसरे के विरोधी है, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं। दूसरी बात, देश की सुरक्षा हो, देश की एकता हो, अखंडता हो, इसमें हम सब लोग एक रहे, हमारा इतिहास है। जब बांग्लादेश के साथ वॉर हुई तो इंदिरा जी के पीछे पूरा विपक्ष खड़ा रहा है। देश का प्रधानमंत्री कोई पार्टी का नहीं होता, वो देश का प्रधानमंत्री होता है, और उसका उल्लेख इस देश का चौकीदार चोर है इस प्रकार से करना, ये अच्छे राजनीति का परिचय नहीं है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में भी जो कुछ हुआ था होता है उसके बारे में जिम्मेदार राजनीतिक नेताओं की भी जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी जी इसके बाद में कम से कम राजनीति में अपना स्टेचर मेंटेन करते हुए राजनीति का गरिमा कायम रखेंगे, और प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं है, वो देश का ये रखते हुए उसका उनका उचित सम्मान भी रखेंगे, यही उनसे उम्मीद रखता हूँ। थैंक यू। मेरा स्वास्थ्य बहुत ठीक है, आप यहाँ के कोई पत्रकार नहीं है, अमर उजाला वालों ने बोल दिया कि मैं ICU में एडमिट हो गया, मेरी तबीयत सीरियस हुई, दिल्ली से डॉक्टर की टीम आ रही है, मेहरबानी करके, ऐसा कुछ नहीं है। हाई एल्टीट्यूड पे जाके यू वर फीलिंग अनवेल सर? नहीं, वहाँ से आने के बाद मैंने सोचा, मुझे थोड़ा लगा तो मैंने तुरंत डॉक्टर बोला, हमने चेकअप किया, मेरा सब कुछ ठीक, रूटीन चेकअप था, क्योंकि पिछले 1.5 महीने से मैं प्रवास कर रहा हूँ, बीच में शिरडी में मुझे प्रॉब्लम आया था, तो डॉक्टर की ये जाँच करेगी कि कोई दवाई ले रहा हूँ उसकी कोई रिएक्शन है, पर सभी ओवरऑल मैं ठीक हूँ, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए मैं आज अर्जेंटली CM साहब से बातचीत के बाद आपको बुलाया, ताकि मैं अच्छी तरह से आपसे जब बातचीत करूँ तो देश में ये जानकारी चली जाए कि मेरा स्वास्थ्य ठीक है, अदरवाइज रीजनल चैनल में और बाकी जगह पर ऐसी ऐसी न्यूज़ आई कि मैं भी अचंभे में पड़ गया। तो मुझे लगता है आपके मार्फत जरूर ये बात जाएगी। थैंक यू वेरी मच, आई एम सॉरी फॉर गिविंग, और ये तुम्हारा
लखवाड़, ये चौरथ 74 से पड़े हुए प्रोजेक्ट थे। ये अभी हमारी सरकार आने के बाद और मैं इस मंत्री विभाग का मंत्री होने के बाद मैंने तीनों प्रोजेक्ट लाइन पे लगा दिए, और इसलिए लगातार पानी में हो, हाइड्रो पावर में हो, रोड सेक्टर में 69 हाईवे जाहिर कर दिए, 50,000 करोड़ के काम कुछ अवार्ड हो गए, कुछ चल रहे हैं, फिर ये स्काई बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी विद न्यू इनोवेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी, उसको मुख्यमंत्री को प्रेजेंट किया, उन्होंने उसमें DPR बनाने का निर्णय कर लिया, और वो हिमाचल को नई दिशा देना चाहती है। इन सब बातों को देखकर जनता में बहुत पॉजिटिव है, और मुझे लगता है कि पिछले बार जैसा मोदी जी के नेतृत्व को नेतृत्व के लिए फिर से एक बार हिमाचल की जनता हमारे सभी MPs को चुन कर देंगी, और हमारे मुख्यमंत्री जी और मोदी जी के नेतृत्व में